आजा भाई। अरे इतना गुस्सा आ रहा है ना मेरे को, बहुत ज्यादा। ये छोटा सा बैग 95,000 का है। बैग 1 लाख रुपए का। कर निकल 25,000। पता? नो थैंक यू, वी आर स्टूडेंट हियर। सो हे गाइस, इट्स मी सुरावर सिंह कलसी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, कल आप लोगों ने देखा इस बिल्डिंग की 40 फ्लोर पे कितना छोटा जिम है, तो आज मैं जाना है बाहर जिम ढूंढने के लिए। शाम के 6 बज चुके हैं और कितना बढ़िया मौसम हो चुका है, एक बार आप देख लो। मतलब धूप एकदम खत्म हो चुकी है, मतलब थोड़ी थोड़ी है बट वो इतनी फील नहीं होती। मज़ा आता है इस टाइम पे घूमने में दुबई के अंदर। अगर आप दिन में निकलोगे तो बहुत गर्मी होगी भाई, बड़ा बुरा हाल हो जाता है। और यहाँ पे नीचे ही बच्चे बास्केटबॉल भी खेलते हैं, ये देखो। हाँ, रात को और ज़्यादा लोग होते हैं, अभी तो थोड़े सही है। सामने बिल्डिंग का काम चल रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ना खड़े होकर डर भी लगता है, इसलिए मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ भाई हमेशा। तो सुबह की अपनी मील वगैरह मैंने सब कुछ ले ली थी। सुबह सबसे पहले मैंने खाया था ओट्स, उसके बाद मैंने खाए ब्राउन ब्रेड के ऊपर पीनट बटर लगा के खाया था, उसके बाद पास्ता, उसके बाद दीदी ने पास्ता बनाया था वो खाया। बस ये यही सब चीज़ें खा रखी है, पेट एकदम फुल हो रखा है इस समय। कल जब दीदी के साथ खाना खाने गया था नीचे, मैं एक बढ़िया जिम देख आया था, काफ़ी लग्जरी लग रहा था। अभी वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे बात करते हैं। तो गाइस, तैयार शहर होके जिम के लिए निकल चुके हैं और यहाँ से एक बार व्यू देखो कितना बढ़िया है। ये हमारी बिल्डिंग और ये यहाँ नीचे का व्यू कितना बढ़िया है। यहाँ से हमें चल के जाना है वहाँ उस साइड जिम में थोड़ा। यहाँ पर ये बैटरी वाली स्कूटी भी मिल जाती है, बट अभी तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ी हमें इसकी, क्योंकि अभी ना हम सिर्फ घर का मतलब थोड़ा सेटल हो जाए ना एक बारी, थोड़ी सी यहाँ पर आदत हो जाए रहने के लिए, तो थोड़ा घर सेट हो जाए उसके बाद फिर हम घूमेंगे एक्सप्लोर करेंगे। एक मर्सिडीज़ कैफ़े है उसके अंदर भी जाना है, वहाँ तो बहुत बढ़िया व्लॉग बनेगा मर्सिडीज़ कैफ़े में। और वैसे ही मैंने बहुत सारी चीज़ें ढूंढ के रखी हुई है। जिम जाते जाते रस्ते में ये व्यू देखा मेरे को JLT का, देखो कितना बढ़िया लग रहा है। ओए होए 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 होए, ब्लू पानी एकदम। उस साइड है कहीं पर जिम, बंद ना हो यार, आज संडे है, बस बंद ना हो। गाइस एक बार जिम देखो बाहर से कैसा बना हुआ है, इसकी बिल्डिंग कैसी है भाई, अलग सी लग रही है। अब मुझे यहाँ का रास्ता समझ नहीं आ रहा है, यहाँ से जाना कहाँ से है। मेरे ख्याल से तो यहीं से जाना है, बाकी गूगल मैप में डाल के देखे वहाँ से भी समझ नहीं आ रहा है, बट एक बार यहाँ से देख लेते हैं, कोई मिला तो उससे पूछ लेंगे फिर। गाइस मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है कहाँ से जाना है, ना यहाँ पर कोई है जिससे पूछूँ। गाइस लगता है कि ना एक मॉल है, मॉल के अंदर से एंट्री करके जाना पड़ेगा। गाइज एक प्रॉब्लम होगी बहुत बड़ी, इनका जिम सिर्फ खुला है 8 बजे तक और अभी बज रहे हैं 7। एक घंटे के अंदर मैं क्या ही वर्कआउट करूँगा यार, तो मैं इनको बोल दिया मैं कल सुबह आता हूँ। बाकी देखते हैं नीचे जाके आसपास कोई और जिम है तो नीचे चल के कोई और जिम देखते हैं, अगर नहीं मिला तो फिर वहीं जाना पड़ेगा जहाँ अपनी बिल्डिंग है, वहाँ जहाँ वो 3 डंबल पड़े हुए हैं उसमें से ही करना पड़ेगा कुछ ना कुछ आज तो। फिर गाइज रात हो गई है, बिल्कुल अंधेरा हो गया है और चल चल के यहीं पर ही मेरा कहते कार्डियो हो चुका है। अब एक और जिम ढूंढा है मैंने गूगल के अंदर, 1.7 किलोमीटर दूर है यहाँ से, वहीं जा रहा हूँ। अब देखते हैं वहाँ पर क्या होता है। दुबई में ना आपको चलना बहुत पड़ता है, मतलब अगर आपको किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना है ना तो चल के बहुत जाना पड़ेगा, टैक्सी करोगे तो बहुत महंगी पड़ेगी। यहाँ पे स्कूटियों वूटियों वाला ज़्यादा सिस्टम है नहीं, जैसे अपने वहाँ बाइक कहीं भी निकाल दो, कहीं भी चढ़ा दो, फुटपाथ पर चढ़ा दो, वैसे वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे। गाइस क्या जिम करूँगा अब, 2 किलोमीटर तो ऐसे चल के आ गया, थक गया पूरा, और इतना दूर चल के आ गया हूँ मैं, पूछो मत। वो मैं आया हूँ क्लस्टर R में और हमारा जो है वो है क्लस्टर H या N है, तो यहाँ से कम 2-2.5 किलोमीटर मुझे पड़ गया। 6 बजे से निकला हुआ हूँ, 7:30 हो गए हैं, अब लगा लो एक 1.5 घंटा पैदल चले जा रहा हूँ जिम ढूंढने के लिए। अबे यार क्या मुसीबत है, बड़ा गुस्सा आ रहा है, मूड भी बड़ा ख़राब हो रहा है। अब रह गया 400 मीटर, जाके देखते हैं कौन सा जिम है ऐसा। 100 मीटर रह गया और ये चढ़ाई आ गई है, बताओ भाई मेरा हो गया वर्कआउट, मैं घर जा रहा हूँ। गाइस इस लोकेशन पे आया हूँ, यहाँ पर कोई जिम है ही नहीं साला। अब इतना गुस्सा आ रहा है ना मेरे को, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है भाई, मूड ख़राब हो रहा है मेरा बहुत गंदा वाला। 8 बज गए यहाँ पर, 1-1.5 घंटे चले जा रहा हूँ, जिम ही नहीं मिल रहा। गाइस अभी मैं बेंच पे बैठ गया था एक, और मैंने तो होप बिल्कुल खो दी थी। फिर मैंने क्या कहते हैं गूगल मैप में गया, फ़ोटोज़ निकाली, फ़ोटोज़ ढूंढी और थोड़ा यहाँ का मतलब देखा, इधर उधर देख के मैं आ गया जिम भाई, मिल गया, शुक्र है जिम। अब पता नहीं मैं रोज़ यहाँ पे आऊँगा नहीं आऊँगा, बट अब एक दिन आया तो एक दिन तो करे कम से कम। ट्रायल के मैंने पैसे दे दिए, जिम पहुँच चुके हैं, अब अपना स्टार्ट करते हैं वर्कआउट। आज हम करेंगे शोल्डर ट्रेन अपने फटाफट। देखो इतना चल चल के आ रहा था, मूड ख़राब था ना, जिम देखते ही भाई मूड एकदम सही हो गया और अच्छा अच्छा फील हो रहा है। अब 9 बजे तक सिर्फ जिम खुला है, अलग अलग मशीनें हैं बहुत सारी यहाँ पे,
आओ चलो अपना प्री पिए और स्टार्ट करें। कल जिम में पानी नहीं मिला था इसलिए मैं आज साथ में ही ले आया अपना। आज संडे इसलिए लगता सारे जिम जल्दी बंद हो जाते हैं और जिम खाली भी पड़ा, कोई आया भी नहीं आज। जिम तो अच्छा है यार बट थोड़ा सा दूर है। यहाँ पर तो मसलअप करने की भी जगह है, बड़े टाइम से मसलअप करके नहीं था। ट्राई करते हैं नहीं लगेगा अभी। एक बार डंबल पे नजर मारना थोड़ी सी, कितने बड़े डंबल है भाई। तो ये थोड़ा सा जिम टूर करवाया था आपको, ऐसा सा जिम है। मशीनें बहुत अलग अलग तरीके की पड़ी हुई है, ये देखो लेग्स के लिए, काफ्स के लिए, ये काफ्स के लिए ये वाली मशीन, ये एब्स के लिए होगी अपनी, वो भी काफ्स के लिए। ओवरऑल अच्छा जिम है, बढ़िया लग रहा है, मतलब देसी वाइब्स आ रही है, जैसा मेरे को चाहिए होता है ना बिल्कुल वैसे वाली वाइब्स आ रही है। तो गाइस अपने शोल्डर का वर्कआउट स्टार्ट करने लगे हैं, शोल्डर प्रेसिस पे और ये मशीन पे कर रहे हैं हम, ये डंबल वम्बल पे तो करते रहते हैं। गाइस ये वाली एक्सरसाइज ना बैठ के ना डंबल पे भी कर सकता, बट क्या होता है कि मेरे जिम में भी ये वाली मशीन है बट आप अलग अलग जिम में जाते हो, सारी मशीनें एक जैसी नहीं होती है, तो मैंने सोचा इस पे ट्राई करते हैं। और तीसरा सेटअप ही बहुत अच्छा पंप आया जब इस मशीन पे, जब मैंने पहला सेटअप मारा था ना ये बहुत मेरे को ना आगे सा लग रहा था ये चीज़ ना, मतलब मुझे लग रहा था बहुत आगे है, हमारे वाले जिम में क्या थोड़ा पीछे है यहाँ तक है, बट अब जब मैं लास्ट सेट मार रहा हूँ ना अच्छा पंप आ रहा है। गाइस अब मारेंगे साइड रेसिस, मुझे लगा यहाँ पे मशीन होगी साइड रेसिस की बट है नहीं, चलो कोई नहीं डंबल से कर लेंगे। आ रहा हूँ मैं वीडियो में, आ रहा हूँ। जिम नहीं मिल रहा तो इतना गुस्सा आ रहा था और थक चुका था, अब जैसे जिम मिल गया वर्कआउट स्टार्ट करा बॉडी अपने आप ही सेट होगी। तो यही होता है भाई, हम लोगों को अंदर से खुशी मिलती है। कुछ लोग होते हैं ना कहते हैं कि क्या मतलब जिम इतना करते रहो वर्कआउट करते रहो, जब छोड़ दो तो आपकी बॉडी फुस हो जाती है। जिम करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप बॉडी बना रहे हो अपनी, आप यहाँ से भी स्ट्रांग होते हो बहुत ज़्यादा। अब लेंगे अपना सेकंड सेट, डंबल लेके आता हूँ 12:30 के। मज़ा आ गया, मैंने तो होप खो दी थी भाई, मैं सोचा था अब घर चलते हैं कल ही करेंगे वर्कआउट, बट थोड़ी सी हिम्मत मारी ढूंढ ही लिया फिर। एक दो तीन चार, वर्कआउट इतना बढ़िया हो रहा है ना, वीडियो बना रहा हूँ कोई मेरे को देख भी नहीं रहा है यहाँ पे, वैसे तो जिम में है नहीं आज कोई, बाकी जहाँ तक मुझे लगता कोई देखता नहीं है यहाँ पर एक दूसरों को यार, सब अपने काम से मतलब रखते हैं। ये लास्ट, इसके लास्ट सेट मारूंगा सुपर सेट, 5 के डंबल पकड़ने लास्ट में, इसमें लास्ट आपने यह करना सुपर सेट, जैसे आपने सेट मार लिया आपने ख़त्म कर लिया लास्ट, उसके बाद 5 के डंबल ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काफ़ी मज़ा आ रहा है, इन्जॉय कर रहा हूँ मैं वर्कआउट को, इन्जॉय कर रहा हूँ बिल्कुल। 1 2 3 4 5 तो यहाँ पर अपने लास्ट वर्कआउट कर रहे हैं क्योंकि आधा घंटा रह गया अपना जिम क्लोज होने में, अपना मतलब ये वाला जिम क्लोज होने में। और मैंने एक एप्स की मशीन देखी है वहाँ पे, 2 रैप मारे थे, इतना बढ़िया पंप आया ना, अभी आपको दिखाऊंगा, एप्स मार के जाऊंगा यहाँ से। दो दिन से यहाँ पे पिल्लो बल्ते लेके सो रहा हूँ,
यहाँ पर थोड़ा वलसा पड़ा हुआ है। चेस्ट के लिए मशीनें देखो कितनी सारी है, बैक के लिए होगी, ये भी बैक के लिए है, बेंच प्रेस, इंक्लाइन के लिए मशीन देखो ये वाली कितनी प्यारी है, ये शोल्डर की है मे बी, ओ हाँ शोल्डर की है भाई ये। गाइस शोल्डर के लिए मशीन देखो कितनी प्यारी है, मैंने तो अब देखी है यहाँ पर, ये एक साइड इसका ट्राई करते हैं। गाइस गाइस सच बता रहा हूँ, ये मशीन मैंने पहली बार देखी है, आज तक मैंने वीडियो में भी नहीं देखी, पर जो इसमें जो पंप आया ना, थोड़ा सा वेट बढ़ाते हैं, फ्रंट शोल्डर पे जो पंप आया ना खतरनाक, सच बता रहा हूँ मज़ा आ गया, काफ़ी सही मशीन है यार ये तो। पहले जब मैंने पहला रैप मारा ना, मेरे को लगा मेरे चेस्ट पे तो नहीं आ रहा, फिर जब मैंने फील करा ना यहाँ पे, मज़ा आ गया। हमारे जिम में भी ऐसी मशीनें होनी चाहिए यार, पर यही है ना, हमारे वहाँ पैसे देके कोई राजी नहीं है, पैसे खर्च के कोई राजी नहीं है। तो चलो अपना शोल्डर का वर्कआउट तो कंप्लीट हो गया, 8:45 हो गया, 15 मिनट रह गया, थोड़े से ऐप से मार लिए, शोल्डर भी हो गया और सारा ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा वर्कआउट हुआ है, क्योंकि जिम नहीं मिल रहा था, एक तो 1.5 घंटा पैदल चल चल के आया हूँ, 1.5 घंटे से जिम ढूंढ रहा था, जिम नहीं मिल रहा था, वैसे ही थोड़ा मूड आगे पीछे हो गया था। तो चलते हैं अब रूम पे और कुछ खाते हैं बढ़िया सा, और देखते हैं कहीं बाहर घूमने गए तो, और कल दीदी कह रही थी यार मैं बोर हो रही हूँ बहुत ज़्यादा, तो देखो अगर कहीं घूमने गए तो, तब तक के लिए आपको सीधा मिलता हूँ मैं रूम पे, मुझे पता है शेखर गिर गया पीछे, बाय थैंक यू। तो ये है जिम के बाहर का व्यू और ये रहा अपना जिम, देखो वैसे तो मेरे को ठीक लगा जिम, सही है, बट मेरे को ये देखना है कि मेरे अपार्टमेंट से कितना दूर है, यहाँ से जाना है मुझे क्लस्टर एच, यहाँ से कम 2 किलोमीटर दूर है, और अब मुझे टैक्सी ही करनी पड़ेगी क्योंकि मैं थक चुका हूँ भाई, 10-12 दिरहम की टैक्सी बता रहे हैं, मतलब इंडिया के वही 200-300 रुपये, तो ये जिम तो कैंसिल है भाई, यहाँ तो नहीं आऊँगा क्योंकि आने जाने का ही बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा मुझे, मुझे फ्लैट के पास ही कहीं जिम देखना पड़ेगा, बड़ी दिक्कत होगी यार इस जिम वाली तो। टैक्सी में लगे मेरे 12 दिरहम, मतलब इंडिया के 280 रुपये लग चुके मेरे, बड़ा महंगा भाई दुबई, सिर्फ 2 किलोमीटर के लिए, बताओ। आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा, ओ तेरी सही में तेल का ऑमलेट हो गया तो यहाँ पर अपना पोस्ट वर्कआउट मील एंजॉय करूंगा इस व्यू के साथ, बिग बिग मसल, मुझे नहीं पता था मैं इतना अच्छा खाना ही बनाता हूँ। तो ये वाले रेस्टोरेंट में हम पैशन मोहितो पीने आते हैं, इसका जो टेस्ट है ना भाई बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, मतलब मज़ा आ जाता है जब भी आते हैं इसको, हम पी के जाते हैं यहाँ से। बड़ी गंदी लग रही है वो, ये घर पे फ़ोन करके उनको चिढ़ा रही है, चिढ़ा रही क्योंकि हम लोग जब भी यहाँ पे आते हैं तो इस वाले कैफे में ज़रूर आते हैं, तो अब वो नहीं आई है तो मैंने कहा वीडियो कॉल करना बंद, मैंने उसको वीडियो कॉल करा, बोला कैस द प्लेस बेचारी। If you have talent, please feel free to play your favorite melody. We don't have any talent. Brother, take a picture of me. Huh? Take a picture of me. Okay. वो बाहर भी अच्छी है। ये तो हमने देखा। बाहर भी बैठ सकते थे ना। But last time इतना अच्छा नहीं था। हम यहाँ पर बाहर भी सिटिंग कर सकते थे बट हमें पता ही नहीं था कि यहाँ पर बाहर भी सिटिंग है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम आए थे इतनी गर्मी थी, जब मैं आया था लास्ट टाइम यहाँ चल के इतनी गर्मी लग रही थी, बहुत गर्मी थी भाई, तब तो ये टेबल स्टूल वगैरह ने लगाए नहीं थे बाहर, सितंबर में आए थे, सितंबर में, हाँ कब, नवंबर टिल फरवरी, अप्रैल तक भी आओ तब भी चलेगा, अच्छा मौसम मिल जाएगा, बट अगर जून जुलाई में आओगे तब तो रह गएगा।
ये छोटा सा बैग 95,000 का है, 95,000, और यूएई में है ये 4,360। बताओ बोल। यहाँ पे लिखा हुआ था बाहर बाय वन गेट थ्री फ्री, तो हम लोगों को लगा कि एक बार अंदर जाके देखते हैं क्या है। पता है बैग 1,00,000 रुपए का, और क्या निक्कर 25,000 की, मतलब कस्टमर को लूटने का बड़ा तरीका कैजुअल है। थोड़ा कैजुअल सा है। हम लोग तो खुश हो गए, तीन चीजें मिलेगी, एक चीज हाँ। तो खरीद लेते हैं, एक चीज और एक चीज ही लाख की है भाई। पता नो, थैंक यू, वी आर स्टूडेंट हियर। जब लास्ट टाइम आए थे यहाँ पे कैसे गर्मी थी, और अब कितना हैपनिंग हो रखा है, बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं। मेरे को नहीं क्या करने पे, बजट भी इतना ज्यादा है। टेडी के हाथ में इन्होंने ना आईपैड दे रखा है, सिर्फ टेडी काफी नहीं है, आईपैड भी साथ में मिलेगा। अंदर ऐसे टेडी लगा था ना, आगे है वो आई वॉच है, एयरपोर्ट्स है, और एप्पल का कौन सा फोन है, कौन सा फोन है, इसमें करना क्या है। 20 rupees की गेम है, AED हाँ, sorry 20 AED में। पर मेरे को भरोसा नहीं है यार, आज तक कुछ निकला नहीं है। पर करके देखा एक बारी, ये देना, ये बना हुआ, ये रहा, ये रहा। क्या लगता निकलेगा कुछ, की इसके अंदर डालेंगे या की बना हुआ है, देख छोटा सा। तो गाइस यहाँ पर हम अपनी किस्मत आजमाने लगे हैं, लगता नहीं है वैसे कुछ निकल जाएगा, निकल जाएगा कुछ, पता नहीं मुझे। यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, ये क्या कर रहा तूने? One more time। नहीं ऊपर ही नहीं आ रहा, चलो नहीं आ रहा ऊपर। इसमें इसमें किसमें, इधर तो कुछ है ही नहीं ढंग का, फिर बैक भी नहीं हो रहा। नहीं लेफ्ट राइट जा रहा बस। तो फिर तो बात बराबर कहता दीदी दीदी मुझे भी खेलनी है, मैंने कहा ठीक है बेटा खेल लो। तो गाइस वहाँ पे पैसे खराब करके हम यहाँ पे आ गए हैं, पर दीदी कह रही कि मैं खेलूंगी यहाँ पे, तो चलो लेट्स गो। चल कम है, देख मेरा स्कोर एक और खेले चल। हम लोग मजे में तो आ गए, लेकिन अब हम एक बात भूल रहे हैं कि हम यहाँ पे स्टूडेंट है अभी, जैसे सेव मनी, हम टूरिस्ट नहीं है। 100 ओके ये लोग तो चार कुत्ते जीत चुके हैं, क्यों मैं अपनी बेइज्जती करवा के। यार एक और बारी खेलने का दिल तो कर रहा है ऐसे। नहीं नहीं पहला वाला बड़ा क्लोज था यार, सही बात है। मतलब एक बारी में दो बार बस जरा मेरे को ओलफ लेना था, इसलिए वाला रेंडियर ले लिया। वैसे ये तो ये भी ओलफ का दोस्ती है, और ये पता नहीं क्यों लिया। ये फिर से यहाँ पर आ गई है खेलने के लिए, मेरे से बोल रही थी बार बार ओए चले जाता यार चले। ओए आई
कैसा लग रहा है आप दोनों? विनर विनर। अपनी टिकट इतनी सारी वेस्ट कर ली, कुछ मिला क्या? ये इसको इंडिया कैसे लेके जाएंगे? इसका पासपोर्ट कहाँ है? इसका पासपोर्ट कहाँ है? ले जाएंगे, इसका पासपोर्ट मंगवा ले, इसको ब्लैक भी लेके जाएंगे। ये क्या है? ये क्या बात हुई? क्या वो टेढ़ा मुड़ गया ऐसे करके अपने आप ही? आ जा भाई। ओ ये क्या बात हुई भाई? तू खाते पीते घर का नहीं है क्या? तू एक छोटा सा फोन नहीं उठा पाया? ये जानबूझ के इसने करा है। तो गाइस यहाँ पर जितने भी कार्स देख रहे हो आप, लैम्बोर्गिनी पोर्श वगैरह, ये सारी रेंट पे मिलती है 5,000-6,000 दिरहम में। बट आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस होना चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है। अगर होता तो मे भी हम लेते, बट चलो अभी हमने एक कुत्ता ले लिया, वही बहुत है। दो कुत्ते हो गए हमारे पास। हाँ, एक स्टोर में ये, और जब इसको लेकर जाएंगे ना स्टोर में के पास, तो ये सब तुम देखिएगा। पार्टी बदल लिया साला। उसका रिएक्शन लेंगे। हाँ